हम सब बेवकूफ हैं। अरे ये तो शास्त्र में भी लिखा है कि आदमी को अपना काम और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम अपनी मेहनत से 100 रुपए कमा कर सकते हैं तो क्या हमारा सर फिर गया कि 2 रुपए कमा कर सफर कर जाए? जब हम थोड़ी सी मेहनत से आराम की जिंदगी बसर कर सकते हैं तो क्या हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि सुबह से शाम का खून पसीना बर्बाद करे? एक सूखी रोटी से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे भरपेट खाना चाहिए और अच्छा खाना। हार न जाइए काम, अपन को अपना प्राण धंधा ही अच्छा है। अपने को भी ये कुछ बात हुई ना? नहीं दादा, बिल्कुल ठीक बोलता है। अरे इसका तो दिमाग खराब हुआ है। हाँ साहब, की बातों में आ गए। अपन तो ये काम नहीं करेंगे। हाँ ये काम हम नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। अभी तक मैं ये समझता रहा कि हम बुरे कामों में इसलिए पड़े हैं कि हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन अब दूसरा रास्ता होते हुए भी अगर हम बुरा काम करना चाहते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि हम हैं बुरे। इसमें अच्छाई बुराई का सवाल कहाँ से आ गया? ये भी एक धंधा है, वो भी एक धंधा है। ये चार आने की चीज छियाने बेचते हो ना, ये हजारों रुपए का माल सैकड़ों के मुनाफे में बेचने में कोई हर्ज नहीं, तो फिर ये 1.5 रुपए की टिकट 2 रुपए में बेचने से कौन सा पाप लग जाता है? अगर तुम्हारे घर में माँ बहन या कोई ऐसी जान है जिसे तुम सच्चे दिल से प्यार करते हो तो क्या ये सवाल तुम मुझसे भी पूछ सकते हो? मेरा कोई नहीं। अपनी आत्मा तो है, अपना जमीर तो है, पूछो उससे क्या कहता है। वो तो बेच खाया है। चुपचाप बांध कहीं का। अबे मुंह संभाल के बात कर, एक एक दांत दूर था। तुम सब अपने दिलों के मालिक हो और मैं किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि याद करो हम कल क्या थे और आज क्या है, और ख्याल करो कि कल क्या बन सकते हैं। क्या हम हमेशा अपनी मां बहनों से अपना पेशा छुपाते रहेंगे? क्या हम यही चाहते कि हमारे बच्चे गलियों के आवारा बच्चे न कहलाकर इज्जतदार ईमानदार मां बाप के बच्चे कहलाएं? क्या हम हमेशा पुलिस और कानून से भागते रहेंगे? मैं तो यही दुआ मांगता हूं कि हे भगवान, हमें मोटर और बंगले ना दे, सोने चांदी के सिक्के ना दे, देना है तो पेट भर रोटी दे दे, थोड़ा सा ईमान दे दे, एक अच्छा सा दिल दे दे और थोड़ी सी इज्जत दे दे। थोड़ी सी क्यों, बहुत सी इज्जत मांगो, खून मिलेगी। जब बाजारों में फेरी देते हुए पुलिस हमें कुत्तों की तरह ठोकर दस्तकारेगी। यारो जरा तोड़ो इसके खूबसूरत लफ्जों को अपने आय के तजुर्बे से। कौन सी भरपेट रोटी कमा ली हमने, कौन सा ईमान कमा लिया, कौन सी इज्जत कमा ली? कान परेशानी और बेइज्जती के सिवाय और क्या मिला हमें? बहुत देखे इज्जत वाले इस दुनिया में, सब वही तो है जिनके पास बंगले हैं, मोटरें हैं, सिक्के सोने चांदी के। फिर क्यों ना हो मेरे पास एक बंगला, मोटर और सोने चांदी के ढेर, और जब मैं कमा सकता हूं तो क्यों ना कमाऊं? अच्छा बनने का ढोंग कर सकते हैं वो जिन्होंने लाखों कमाकर दबा लिया, और जब हमारे पास आ जाएगा इतना तो हम भी ऐसे ढोंग कर लेंगे। मैं पूछता हूं कि हम ही हमेशा इसके इशारे पर तो चलते रहे? आखिर याद में जो कुछ भी आ जाए हमारे दम से है, हम इसके हाथ थे, वरना ये अकेला क्या कर लेता? तुम में है कोई बेवकूफ तो चले जाए इसके साथ, और जो मेरे साथ है इधर आ जाए। गणेश ने ठीक कहा है कि तुम लोग मेरे हाथ हो और हाथों के बगैर जिस्म बेकार है, लेकिन याद रखो जिस्म के बगैर हाथ भी बेकार है। जो लोग मेरे साथ हैं उन्हें मैं कल सुबह 10 बजे यहीं मिलूंगा।